वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ घूमने बुढ़िया माई का स्थान। बहुत अच्छा स्थान है, बहुत जागता माई है बोलते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। और ये कुसमी जंगल एरिया में पड़ता है, दूर है गोरखपुर से थोड़ा। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट रोड पर हैं, तो यहाँ से जाना होता है, हम लोग बाइक से जा रहे हैं यहाँ से। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पर सारा करके दिखाती हूँ, यहाँ का सारा नज़ारा भी सुन कर दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। हम लोग आ गए हैं कुसमी जंगल। एयरपोर्ट रोड के बाद पड़ता है कुसमी जंगल। कुसमी जंगल में ही बनी है हमारी बुढ़िया माई स्थान। तो ये बहुत भयंकर जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। पहले बोला जाता है इसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, बट अभी रहते कि नहीं रहते कि अंदर बहुत घना है तो कोई जाता नहीं है अंदर। जाते हैं सब लोग, बट ऐसे सब लोग नहीं जाते हैं घूमने। तो बहुत बड़े बड़े जानवर हैं अंदर, ऐसा बोला जाता है। तो हम तो अभी नहीं गए हैं। ये बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़े क्षेत्र में बना है ये पूरा जंगल। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है कुसमी जंगल का, बहुत फेमस है कुसमी जंगल। और यहाँ पे बंदर तो देख सकते हैं आप रोड पर, कितने सारे बंदर हैं। तो बंदर बहुत सारे हैं। तो बुढ़िया माई का स्थान आप बोलेंगे तो भी उतार देते हैं वो लोग, कुसमी जंगल बोलेंगे तो ये है मेन गेट जो रास्ता बना है, ये है यहाँ पर बुढ़िया माई स्थान। और ये है रास्ता मेन गेट जाने का बुढ़िया माई का स्थान। ये है मेन गेट, यहाँ से आना है हमको। तो ये मेन गेट से सीधे इस तरह से जाना होता है बाइक से, पैदल। और सवारियाँ भी चलती हैं, कभी कभी मिलती हैं, पता नहीं। मम्मी आई थी तो मम्मी को सवारी मिल गई थी। तो बाइक से चलते हैं या पैदल चलते हैं। बहुत सारे बंदर हैं और ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना जंगलों के बीचों बीच में बनी है बुढ़िया माई का स्थान है। तो बहुत बड़ा जंगल है ये, देख सकते हैं आप, और बहुत घना है। तो जंगलों के बीचों बीच में बनी है। बाइक से इस तरह हम लोग जा रहे हैं तो काफ़ी दूर है, बहुत अंदर है बनी है। तो बाइक से हम लोग देख सकते हैं कितना टाइम लगा, मैंने बहुत कट किए हैं इसमें। तो दूर है मेन गेट से, तो बाइक से या पैदल भी देखिए सब लोग जा ही रहे हैं। और रास्ते में बहुत सारे बंदर हैं, ये देखिए अभी तो बहुत कम दिख रहे हैं, बट बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़ा बड़ा झुंड होता है उन लोग का, बहुत बड़े बड़े बंदर हैं यहाँ पर। पार्किंग के लिए बनाए जहाँ प्रसाद लेते हैं वहाँ भी बाइक वगैरह खड़ा कर सकते हैं, इस तरह भी खड़ा कर सकते हैं जैसे ये लोग किए हैं। तो पार्किंग की सुविधा है अच्छी, और बच्चों के झूले लगे हैं, मेले लगे हैं, हर एक चीज़ मिल रही है यहाँ पर। मेला जैसे लगता है उस तरह से सारे सामान यहाँ पर मिल रही है ना। ये मेरी मम्मी है, आ रही हैं, पहले ही पहुँच गई थी। और ये सब पूरा बना है, मेला वगैरह लगा है। चलते है दर्शन करते हैं पहले माता जी का, फिर मैं सारा सुन करके दिखाऊंगा। बड़ी लाइन लगी है और ये सब बना, आपको भी दर्शन कराते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में। लाइन में है अभी, दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद नारियल फोड़ा जाता है यहाँ पर, या चुनर भी बांधते हैं नारियल फोड़ के सब लोग। ये है सारा मंदिर,
मेन मंदिर ये है, बुढ़ी माई प्राचीन मंदिर, ये मेन मंदिर है। ये बना है यहाँ से बहुत ही सुंदर सा। ये पीछे का है और ये भंडारा भी हो रहा है, तो लोग खा रहे हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग जहाँ जा रहे हैं अभी, तो ये है पुरानी माता का मंदिर, पुरानी माता का मंदिर है। वो इधर से जाना होता है, वो अभी बनाया है जो रियल माता जी हैं बुढ़िया माई, वो यहाँ से जाके ही होता है, वो दिख रही है आपको। तो वहाँ पर हम लोग को जाना है, तो चलिए मैं वहाँ पर चलती हूँ, ठीक है, वहाँ का दर्शन कराती हूँ। तो ये इस तरह ये रोड है जाने का, वहाँ तक नाव चल रही थी। तो यहाँ तक पहले नाव चलती थी बोल रहे हैं, मेरा भाई आया था पहले, तो वो नाव से यहाँ गया था, बट हम लोग भी पैदल जा रहे हैं, नाव का भी नहीं है, देख सकते हैं आप, सूख गया पानी। तो यहाँ से चलना होता है, तो हम लोग जा रहे हैं चल के, जो एक्चुअल में बुढ़िया माई का स्थान है वो यहाँ पर है। नाव खड़ी थी कहाँ पे? नाव का देख खड़ी। हाँ, तो यहाँ पे नाव से जाते थे, अच्छा लगता था, बट अभी नहीं चल रही, भी बंद है, तो सब लोग पैदल जा रहे हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग भी पैदल चलें, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, फिर लेके नाव पे चढ़ के जाना होता है। तो चलिए मैं सूट करके बैग कमरे से दिखाती हूँ आपको, ये इस तरह से जाना होता था। तो 5 रुपये लग रहा है जाने का, 20 रुपये लगेगा। चलो हम चल रहे हैं, अच्छा वैसे चला तो ये ऐसे नाव पे चल के जाना होगा, 5 रुपये टिकट लग रहा है इधर जाने का। ये हम लोग जा रहे हैं नाव पे चढ़ के, ये है पानी, तो हम लोग जा रहे हैं, पानी नहीं है इसलिए नाव बंद है, तो लेकिन चढ़ के जाना है। लोग 5 रुपये ले रहे हैं इतने का ही जाने का, तो इस तरह से जाना है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो इस तरह से ये लोग आ रहे हैं पीछे, तो ऐसे जाना है यहाँ पर। और पानी बहुत भरा था, अभी पानी नहीं है, इसके लिए ऐसे चल के आना है। तो नाव में बैठ गए जैसे, तो चलिए अभी जो पुरानी माता मंदिर है वो आगे है, तो वहाँ पर चल रहे हैं, वहीं समाई है, वो असली माता वहीं पर है, यहाँ पर स्थापित हुई है, बनी है। तो चलिए फिर वहाँ के दर्शन कराते हैं, एक्चुअली मेरी माता जी है। वीडियो बनाते हैं ऐसे, देखते हैं जैसे क्या कर रहे हैं, तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे जगहों पे। तो चलिए मैं दर्शन कराती हूँ पहले, फिर बात करती हूँ। यहाँ हम लोग ने पूजा कर ली है, ये मंदिर है मेरे पीछे, और चल रहे हैं अभी। और बहुत स्थान है यहाँ पर, बहुत स्थान है यहाँ पर, सारे जगह का मैं सूट करके दिखाऊंगी। यहाँ से पूरा जंगल पैक में है, बनी है माता रानी, यहाँ सारे जगह के दर्शन कर लिए हैं अभी। और मार के वही बिंदी लेके तो गए, सामान लेते हैं कुछ खरीदने के लिए। हाँ, इन्हें पूजा कर ली है, अब चलते हैं जहाँ से हम लोग थे वाले स्थान पे। ये पुराना जो जहाँ से निकले थे वो थी, अच्छा पानी है, अभी हम लोग
चल रहे हैं अभी हम लोग, चल रहे हैं पैदल। तो चलिए मैं और भी आपको सूट करके दिखाऊंगी, जो भी है मतलब सूट करो, सब लोग देखते ही रहते हैं। तो चलिए ये मेरे पीछे सब लोग आ रहे हैं। जी मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कहाँ से सब लोग हम लोग आए थे, वो मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी। यहाँ से हम लोग आए थे, नाव है, ये दूसरा जो स्थापित किए हैं वो ये मंदिर है, और जो हम लोग आए हैं वो यहाँ से रास्ता जाता है, वहाँ हम लोग ने दिखाया था। यहाँ स्थापित किए वो है ब्लैक वाले हैं ये बंदर, और मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, ये इस तरह से बैठे हैं, खाने का वेट कर रहे हैं, भंडारा हो रहा है, तो उन्हीं का ले जा खा रहे हैं सब लोग, कितने अच्छे से गरम गरम समोसे खा रहे हैं। और क्योंकि भंडारा वगैरह भी हो रहा है, दुकानें बहुत सारी हैं, तो हम लोग खा रहे हैं ये, और ये ली है आइसक्रीम खा रहे हैं, और ये लिए हम लोग खा लिए पानी पूरी, बहुत तीखा था और मेरा पूरा मेकअप निकल गया है। तो अभी चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं घर, और मैं इस कैमरे से शूट कर रही हूँ, और जैसा नज़ारा आपने कभी देखा नहीं होगा उसमें जंगल का, बहुत बचपन की तरह नज़ारा आप लोग ने देखा नहीं होगा। ये है हिरन बैठा है जंगल में। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय।